Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel, Sambal Ahmed here. Well guys, ये हम लोगों ने एक UPS लगाया, UPS के साथ हमने एक ATS लगाया. यहाँ पे ये जो ATS है, इसमें दो वापडा इनपुट्स हैं. As you can see, वापडा 1, वापडा 2, जनरेटर और लोड. ये चार ब्रेकर लगे हुए सीमेंस के 50 एम्पियर के. पहला एम्पियर जो है हमारा, ये वापडा 1 है जिसको हमने बैटरी दी है. इधर वापडा सेकंड भी होगी, शोर सिंगल फेज मीटर, और ये थर्ड वाली हमारी जनरेटर की है. अच्छा, वापडा 1 और 2 को हमने ATS पे दिया, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच पे दिया है. इसमें कॉन्ट्रैक्ट यूज़ किया हमने फ्यूजी के. और जनरेटर के लिए हमने मैनुअली चेंज ओवर दिया है. दो टाइमर हमने इंस्टॉल किए हैं इस पर, इससे वापडा गई हुई है जो 10 सेकंड के बाद ऑन होगा वापडा के आने पर. अच्छा, जो दूसरी डीबी है वो हमने मेन ब्रेकर्स के लिए दिए है, वापडा 1, वापडा 2, जनरेटर और यूपीएस के आउटपुट का जो लोड है उसका ब्रेकर यहाँ पे आ जाएगा. ये हमारे यूपीएस की डीबी है, जो सोलर का इन्वर्टर है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डीसी ब्रेकर लगा हुआ है मिट्सुबिशी का, 80 एम्पीयर का बैटरी बैंक के ऊपर. बैटरी बैंक हमने इस पर लगाई है, छोटो की चार बैटरी लगाई हैं 200 एम्पीयर की. अच्छा, ये हमने 400 वोल्टेज प्रोडक्शन लगाई है इस पर, और 32 एम्पीयर का आउटपुट पर ब्रेकर लगाया है इस पर. और ये इसका चेंज ओवर है कि वाटर चलानी है या UPS चलाने है. और ये मैक्स पावर का हमने इस पर इन्वर्टर यूज़ किया है 5 किलोवाट का. अच्छा, अभी काम इसमें मुकम्मल नहीं हुआ है, इसमें भी 1.5 एम्पीयर मीटर लगना था बाकी है. थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अस्सलामु अलैकुम.